बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए किसी भी तूफान के सामने खड़े हो जाते हैं और वो उस तूफान से लड़ते हैं और वो जीत भी जाते हैं। सो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिनका बीटेक का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स तो नहीं था, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करने के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स में मास्टर किया IISc से। आज के डेट में वो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में PhD कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है राघवेंद्र त्रिपाठी जी। आप बने रहिए इस वीडियो में और हम आगे जानेंगे कैसे एक छोटे से शहर गोरखपुर से यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन USA का सफ़र उनका रहा और इस सफ़र में क्या क्या चैलेंजेस आई और उनका सामना उन्होंने कैसे किया। दोस्तों, मैं हूँ कुमार गौरव, PhD स्कॉलर IISc बेंगलोर से, और आप देख रहे हैं ज्ञानबाजी मेरे यारों के संग, एंड वी विल बी बैक। एग्जाम को लेकर के प्रेशर फील करने के बजाय ऐसा हुआ करता था कि एग्जाम एक ट्रिप हुआ करता था कि जैसे आप पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पर जाना, ट्रैक करना आसान काम नहीं होता है। यस IISc छोड़ करके जाने का जो इरादा था वो मेरा नहीं था, और IISc छोड़ के जाने के पीछे ये भी कतई कारण नहीं है कि इंडिया में रिसर्च नहीं होता है, रिसर्च अच्छा नहीं होता है। तो राघवेंद्र जी, आज के ज्ञानबाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद बुलाने के लिए इस कार्यक्रम में। राघवेंद्र जी, अपने बारे में मेरे दर्शकों को थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम राघवेंद्र त्रिपाठी है और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ मूलतः। फिलहाल मैं वाशिंगटन में हूँ, सियाटल में, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से गणित में PhD कर रहा हूँ। राघवेंद्र जी, हम आपके पास्ट में चलते हैं और आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना पसंद करेंगे। तो हाँ, तो मैंने जैसा बताया कि मैं गोरखपुर से हूँ उत्तर प्रदेश से, तो प्रारंभिक शिक्षा जो रही, स्कूलिंग जो थी वो गांव के आसपास हुई। 12वीं तक मैंने गोरखपुर में ही रह करके पढ़ाई की घर से अपने। 12वीं के बाद से संयोगवश मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचा और वो मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने, मैं जब गया था तो मैं भौतिक विज्ञान का छात्र था, तो मैंने फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया था ग्रेट। और कुछ 30 दिन लगभग क्लास भी की थी। और जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचा, उसी दौरान या उसी समय के आसपास, उससे जस्ट एक साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक नया कोर्स शुरू किया था, एक नया कोर्स, एक नया सेंटर बनाया था उन्होंने, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर नाम है जिसका। अभी वर्तमान में वहाँ पे 3 या 4 अलग अलग कोर्सेज चलते हैं ह्यूमैनिटीज़ के भी। तो जब मैं गया था उस समय तक सिर्फ एक कोर्स चलता था और वो कोर्स था BTech IT & Innovation करके। तो और वो उस समय जो वाइस चांसलर थे दिनेश सिंह, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप का था। मैंने फिजिक्स ऑनर्स से जो है वहाँ पे एडमिशन ले लिया। तो और उस समय की जो प्रक्रिया थी वो ये थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो लोग एडमिशन ले चुके होते थे सिर्फ वही लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, फिर एंट्रेंस और इंटरव्यू होता था। तो उस कोर्स का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था वो किसी भी ट्रेडिशनल BTech कोर्स से बहुत ही अलग था, और इस कोर्स का जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे बहुत ही अपीलिंग लगा, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर गया। कोर्स हालांकि हमारा BTech था और ज़्यादा मेजर फोकस जो था वो IT पर था, कंप्यूटर साइंस, इंडस्ट्री से के साथ काम करना और इस टाइप की चीज़ें। लेकिन वहाँ पे मुझे गणित पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर मिले, डॉक्टर मुकुंद माधव मिश्रा, जो अभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, और उनकी वजह से ऐसा था कि मैंने गणित पढ़ना शुरू किया। और मेनली उनका एरिया चूंकि एनालिसिस था तो वो लार्जली एनालिसिस के बारे में बातें करते थे। और वो पहली बार था मेरे जीवन में जबकि मुझको लगा कि गणित एक अच्छा विषय है और पढ़ने लायक विषय है। मुझे बचपन से कभी ऐसे गणित पसंद नहीं था। आमतौर पर लोगों को बहुत अजीब लगता है कि जो लोग भी गणित में PhD करते हैं उन लोगों को प्रायः बचपन से बहुत पसंद होता है। मुझे बचपन में गणित बहुत ख़राब लगता था क्योंकि प्रायः होता ये था 10-20 फार्मूले रटा दिए जाते थे और उनके आधार पर हम सवाल हल करते थे। तो मुकुंद माधव सर का अफेक्ट था कि उनकी वजह से मैंने गणित पढ़ना शुरू किया, फिर BTech कंप्लीट हुआ। मेरी हमेशा से इच्छा हायर एजुकेशन की थी कि मुझको आगे पढ़ाई करनी है, तो मैंने उसके बाद सोचा कि क्या करूँ आगे पढ़ाई में, क्योंकि उस समय तक गणित में मेरा इंटरेस्ट बन गया था, तो मैंने गणित में पढ़ाई अपनी जारी करने की करनी चाहिए। और उस क्रम में मैं IISc बेंगलोर आया और IISc बेंगलोर में संयोगी था कि एडमिशन हो गया मेरा, और वो फिर जीवन में दूसरी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रही। और फिर वहाँ से मैंने INT PhD प्रोग्राम में एडमिशन लिया था
और मैंने अपनी मास्टर्स जब कंप्लीट किया उसके बाद से मेरे एडवाइजर ने मुझको कहा बाहर अप्लाई करने को, और फिर मैंने बाहर अप्लाई किया और अभी UW। तो राघवेंद्र जी, आपका बैकग्राउंड प्योर मैथमेटिक्स नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट दिखाया और आपने मैथमेटिक्स में रिसर्च करने का सोचा। तो जाहिर सी बात है, जो प्योर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं उनका बैकग्राउंड कुछ अलग होता होगा। आपके सामने क्या चैलेंजेस था मैथमेटिक्स में रिसर्च करना? जी, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, और चैलेंजेस डेफिनेटली रहे, और एक जो बहुत बड़ा अंतर है वो ये कि गणित आप अगर प्योर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं तो गणित आप फिर भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत जानते हों, फिजिक्स पढ़ने वाले भी गणित जानते हैं, इंजीनियरिंग करने वाले गणित जानते हैं, लेकिन आप तब गणित को एज अ टूल यूज करते हैं, तो आप प्रूफ्स नहीं लिख रहे होते हैं, आप आर्ग्यूमेंट उस तरीके से नहीं कर रहे होते हैं, आप चीज़ें जानते हैं। हो सकता है कि आप प्योर मैथमेटिक्स में BSc किए हुए एक बच्चे से ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जानते हैं, कि आपको ज़्यादा थियरम्स पता होगा, ज़्यादा टूल्स पता होंगे, लेकिन आपको उन टूल्स की डेप्थ नहीं पता होगी, आपको ये नहीं मालूम होता है कि ये आया कहाँ से है। तो मैं बिल्कुल उसी हाल में था जब मैं IISc इंटरव्यू देने आया था। मेरे ख्याल से उसके पहले मैंने कभी कोई प्रूफ नहीं लिख रखा था, शायद इंटरव्यू में पहली बार मैंने कोई प्रूफ लिखा। तो मैं जब IISc में आया तो दो चीज़ें हुई, एक जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी रही, अगर आप IISc के इंट PhD का करिकुलम देखेंगे मैथ डिपार्टमेंट का, तो वो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत ही सूटेबल है, और वो इसलिए कि जो बहुत बेसिक कोर्सेज होते हैं, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, बेसिक प्रोबेबिलिटी, IISc में हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो IISc में आने का एक फ़ायदा ये रहा कि मेरा बैकग्राउंड मैथ में ना होने का नुकसान मुझे नहीं उठाना पड़ा। वहीं पे अगर आप किसी IITs का सिलेबस देखेंगे इंट PhD का, तो वो पहले सेमेस्टर में सीधे आपको मेजर थियरी पढ़ाते हैं, आपको फंक्शनल एनालिसिस पढ़ाते हैं, और फिर होता क्या है कि अगर आपको एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा ही नहीं आती है, आपके बस का है नहीं फंक्शनल एनालिसिस मेजर थियरी कर पाना, तो आपको ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट रहा डेफिनेटली कि IISc का करिकुलम जो था वो ऑलमोस्ट ऐसा समझिए कि मेरे लिए डिजाइन था। लेकिन उसके बाद भी कुछ चैलेंजेस जरूर थे, क्योंकि थाट प्रोसेस बहुत अलग होता है। तो मैथ के स्टूडेंट्स होते थे, और मुझे ये अभी याद है कि मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में IISc में, तो कुछ स्टूडेंट्स थे, उन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन शुरू में मुझे बहुत अजीब लगता था कि टीचर कोई चीज़ लिखता था, फैकल्टी मेंबर कोई एक डेफिनेशन लिखता था, फिर वो पूछते थे कि ये वेल डिफाइंड क्यों है। अब मैथ पढ़ने वालों के लिए बहुत कॉमन सवाल है, और जब भी आप कोई नई चीज़ लिखते हैं, कोई नई डेफिनेशन लिखेंगे, वो अक्सर ये सवाल पूछेंगे, और अब मेरे लिए भी ये बहुत नेचुरल है, ये पहला सवाल है जो दिमाग में आता है, ये वेल डिफाइंड क्यों है। और जब मैं पहले सेमेस्टर में आया था तो मुझे इस सवाल का मतलब ही समझ नहीं आता था, तो जब वो ये पूछते थे तो मुझे लगता था कि ये पूछ क्या रहे हैं, ये समझना भी एक कठिन काम था, ये एक चैलेंज था कि पूछ क्या रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो तुम। तो एक बहुत बड़ा अंतर होता है उस थॉट प्रोसेस में, और उस ब्रिज को गैप, उस गैप को जो है ब्रिज करना पड़ता है, कि आप सिर्फ चीज़ें जानते नहीं। एक दूसरा इस तरीके का चैलेंज था कि चूंकि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, हमें चीज़ें आती थी, कुछ चीज़ें हमें पता थी कि हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता था, हमें पता था डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो है तो हम मैट्रिक्स को इन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अपना लीनियर अलजेब्रा का कोर्स ले रहा था, उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना था, मुझे आती थी डिटर्मिनेंट वगैरह, तो मैंने कर दिया। टीचर ने मेरे उस पर नंबर नहीं दिया, और टीचर ने मुझको बुला करके कहा कि ये अप्रोच इसलिए सही नहीं है क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं कर रखा है क्लास में। अब ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि आप इसके पहले तक ये समझते थे कि आपको चीज़ें कहीं से भी पता हो, अगर पता है आपको आती हैं तो आप यूज कर सकते हैं, और अभी एक ट्रिक्शन थी कि जो डेफिनेशंस आपको दी गई हैं आपको उसके दायरे में रह करके काम करना है। तो शुरू शुरू में थोड़ा अजीब भी लगता था, कई बार ऐसा लगता था कि मुझे आता है तो फिर क्यों मुझको फंसा रहे हो, मुझको आता है इसके आगे का तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ। लेकिन बाद में अब बात समझ आई कि उस एक दायरे में काम करने से आप धीरे धीरे ये सीखते हैं कि आपको जितने टूल्स दिए जाते हैं आप उतने टूल्स के साथ कितना काम कर सकते हैं और कैसे अपना दायरा धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और ये आपके लिए रिसर्च में जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस टाइप के चैलेंजेस थे, बेसिकली थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है, आपको एक नए किस्म के तरीके से सोचना सीखना पड़ता है।
लेकिन आईएससी में फैकल्टी मेंबर्स जो थे वो बहुत सपोर्टिव थे, और मेरा जो बैच था और साथ में पढ़ने वाले तमाम यूजी स्टूडेंट्स थे, तो बहुत ही अच्छा एक कल्चर होता था, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत ही स्मार्ट लोग थे, बहुत ही सुलझे हुए लोग थे और बहुत ही सपोर्टिव लोग थे, तो उन लोगों से धीरे धीरे सीखा मैंने। मैंने आपके बैचमेट लोगों से सुना है कि आप एग्जाम के एक दिन पहले मूवी देखने चले जाते थे, तो आप एग्जाम के प्रेशर को कैसे हैंडल करते थे? और आपका जीपीए है आईएससी एमटेक में वो 9.4 के लगभग है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आप ग्रेड्स इंप्रूव करने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे जो हमें देख रहे हैं? एग्जाम का प्रेशर और ग्रेड, देखिए दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं और सबका अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है इस पर। मेरी समझ ये है कि खास करके आईएससी में पढ़ाई कभी भी एक बोझ नहीं रहा, और जो अप्रोच बताया गया मुझे टीचर्स द्वारा और जो अप्रोच मैंने फॉलो किया वो ये था कि हम सीखने आए थे चीज़ें, तो हम जब चीज़ें सीख रहे होते हैं तो जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपको कौन सी चीज़ मालूम है, कौन सी चीज़ नहीं मालूम है। और दूसरी जो चीज़ है समझने की वो ये कि ना मालूम होना कोई बुरी बात नहीं है, तो कोई सवाल ना आना, किसी सवाल का आंसर ना लिख पाना वो बुरी चीज़ नहीं है। तो एग्ज़ाम को लेकर के प्रेशर फील करने के बजाय ऐसा हुआ करता था कि एग्ज़ाम एक ट्रिप हुआ करता था, कि जैसे आप पहाड़ों पर जाते हैं, तो पहाड़ों पर जाना ट्रैक करना आसान काम नहीं होता है, लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ पर जाएंगे तो मतलब बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, ट्रैक करने में मेहनत लगती है, कई बार चोट लग जाती है, लेकिन उसके बाद उसका एक फन होता है कि जिसके लिए आप करते हैं उसको। तो एग्ज़ाम भी हमारे लिए उसी तरीके से था, एक एडवेंचर ट्रिप हुआ करता था, और जब आप एग्ज़ाम को एक एडवेंचरस ट्रिप के तौर पर हैंडल करते हैं तो मुझे लगता है कि ग्रेड्स अपने आप जो हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है तो आप वैसे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरा ये कि कुछ मोमेंटरी सेटबैक होते हैं, मुझे वो दिन भी याद है जब मैं मेजर थियोरी का कोर्स ले रहा था, मेजर थियोरी का दूसरा होमवर्क जब हम लोगों को दिया गया था, दूसरा क्विज था, 10 नंबर का क्विज हुआ करता था, और गौतम भराली प्रोफेसर थे हमारे, उस क्विज में मेरे 0 नंबर आए थे। तो लेकिन तो इस टाइप के सेटबैक्स भी होते हैं, लेकिन उस 0 नंबर आने से भी आपको जो है प्रभावित होने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो चीज़ जानने की है वो ये कि मुझे कोई चीज़ थी जो नहीं मालूम थी। और एक ख़ास चीज़ जो मैं ज़रूर एडवाइस करना चाहूँगा वो ये कि दुखी होकर बैठ जाने से ज़्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद जो चीज़ें आपको नहीं आती थी वो आप बाकियों से जा कर के पूछें जिन्होंने उसका आंसर किया है, तो आप उनसे पूछें कि मतलब वो इस आंसर के साथ कैसे आए, उन्होंने कैसे सोचा। और ये 1-2 दिन में ऐसा नहीं होगा कि वो जस्ट आपको एक बार बता देंगे, अगली बार से आप भी वैसे करने लग जाएंगे, तो लेकिन धीरे धीरे आप हर बारी लोगों से बातें करते रहेंगे तो हो जाएगा। और हाँ, एग्ज़ाम से पहले हम लोग मूवीज़ वगैरह देखने जाते थे, लेकिन एक ये भी चीज़ थी जो आपको मेरे बैचमेट्स बताएंगे कि पढ़ने के लिए हम लोगों को क्लासरूम की ज़रूरत नहीं होती थी, तो हम लोग जब सड़क पे चलते हुए होते थे तो हम एक दूसरे को ऐसे क्विज किया करते थे, तो हम ये पूछते थे कि ऐसी प्रॉब्लम है इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, फिर कोई बताता था। कई बार ऐसा होता था कि आपने किसी दिन कोई नया थियरम पढ़ा, आप खुशी खुशी जो भी मिलता था, तो एक एक्साइटमेंट होती थी कि आप कोई नया थियरम पढ़ा तो इस बात का इंतज़ार रहता था कि आज मिलेंगे मेस में तो बताएंगे कि हमने ये थियरम पढ़ा, फिर वो थियरम बताते थे, फिर पूछते थे कोई इसका प्रूफ दे सकता है कि नहीं दे सकता। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं था, मैं मूवी देखने जाता था अगर तो अकेले नहीं जाता था, तो मेरे साथ और भी लोग थे, मेरे बैचमेट्स, तो वो भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम का प्रेशर उनके ऊपर भी नहीं था। तो ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो शायद ये है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो उस तरीके का होना चाहिए, अगर 4 अच्छे लोग आपको मिल गए तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और ग्रेड्स इंप्रूव करने के लिए बेसिकली आपको ग्रेड्स इंप्रूव करने के बारे में सोचना छोड़ना पड़ेगा, वो अगर कर पा रहे हैं तो फिर वो अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। किसी चीज़ के पीछे पढ़ने से अच्छा है कि उसके बैकग्राउंड में जो है उसको अच्छा कर लिया जाए, अपने नॉलेज अच्छा कर लिया जाए, तो अपने आप ग्रेड्स अच्छे हो जाएंगे। जी, फोकस ग्रेड पे हो जाता है तो हम इस समस्या में पड़ जाते हैं। छत पे आपको जाना है तो आपको छत को छोड़ करके सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी।
आप जमीन पर खड़े होकर के सोचेंगे कि सीधे कूद जाएं और छत पे पहुंच जाएं, तो वो नहीं होगा। और अगर आप सीढ़ियों पर चढ़ते रहेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है आपको 30-32 सीढ़ियां चढ़नी पड़ें, लेकिन उन 30-32 सीढ़ियों के बाद से आप इनेविटेबली छत पे होंगे। तो ग्रेड्स इंप्रूव करना जो है वो पॉइंट ही नहीं है, आपको इंप्रूव जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होने में कई बार टाइम लगता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं रहना चाहिए बेसिकली। जी, तो 2019 में आपने आईआईटी से एमटेक कंप्लीट किया और उसके बाद यूडब्ल्यू ज्वाइन किया, ये सफर कैसा रहा और आप यूडब्ल्यू ही क्यों ज्वाइन किए इसके बारे में बताइए। जी, इस सफर में भी हमेशा की तरह से बहुत उतार चढ़ाव रहे। और सबसे पहली बात तो मैं ऑडियंस को ये बता देना चाहता हूँ कि आईआईएससी छोड़ करके जाने का जो इरादा था वो मेरा नहीं था, और आईआईएससी छोड़ के जाने के पीछे ये भी कतई कारण नहीं है कि इंडिया में रिसर्च नहीं होता है, रिसर्च अच्छा नहीं होता है। कम से कम मैं मैथ डिपार्टमेंट के बारे में बता सकता हूँ आईआईएससी के, कि आईआईएससी का मैथ डिपार्टमेंट कंपेयर्स वेरी वेल टू द वर्ल्ड्स बेस्ट। जो क्वालिटी ऑफ पीपल वहाँ पे हैं, जो आपको सपोर्ट वहाँ पे मिलता है, एक कमी ज़रूर है हम लोगों के इंस्टीट्यूट्स के साथ कि हमारे यहाँ अभी भी इंस्टीट्यूट जो हैं छोटे हैं। हमारे यहाँ आईआईएससी के स्टैंडर्ड के कुछ गिने चुने और इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसा नहीं है कि और भी इंस्टीट्यूट्स हैं नहीं है। कुछ आईसीएस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आईएसआई, सीएमआई, आईएमएससी, एचआरआई, लेकिन फिर भी हम अगर इंडिया में 30 इंस्टीट्यूट्स ऐसे गिन पाएंगे तो अमेरिका में आपके पास ऐसे 300 इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। तो संख्या कम होने की वजह से एक नुकसान हमें उठाना पड़ता है, तो ये एक बात है। मैं आईआईएससी में अपना मास्टर्स का प्रोजेक्ट कर रहा था। आईआईएससी में इंट पीएचडी में आपको अपने सेकेंड ईयर के एंड में एक प्रोजेक्ट करना होता है किसी फैकल्टी मेंबर के साथ, तो मैं भी प्रोजेक्ट कर रहा था और मेरे प्रोजेक्ट एडवाइज़र मंजूनाथ कृष्णापुर थे जो प्रोबेबिलिटी में काम करते हैं, रैंडम मैट्रिक्स थियरी में। और मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पर रहना चाहते हो या फिर तुम कहीं बाहर जाना चाहते हो, कहीं बाहर अप्लाई करोगे। और उस वक्त तक मेरे दिमाग में ये था नहीं कि मुझे कहीं बाहर जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। तो मैंने उनसे ही पूछा कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर घर पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें भारत में रहना हो, तो तुम बाहर जा सकते हो। तो मैंने उनसे यह सवाल उनसे भी पूछा कि क्यों जाना चाहिए बाहर, और उनका भी कारण ये कतई नहीं था कि हम इंडिया में रिसर्च कर नहीं सकते हैं, कर नहीं पाएंगे, या हमारे यहाँ बढ़िया लोग हैं ही नहीं। हमारे यहाँ एक्सीलेंट फैकल्टी, स्पेशली अगर आपको प्रोबेबिलिटी और एनालिसिस करना है भारत में, तो फिलहाल बेंगलोर बहुत ही अच्छी जगह है, आप कहीं पर भी बेंगलोर में रह सकते हैं। तो ये था, लेकिन उनका पॉइंट वही था कि ज़्यादा लोग होते हैं। और दूसरी एक जो चीज़ है जो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में समझी वो ये है कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो हो सके तो आदमी को ये करना चाहिए कि इंस्टीट्यूट्स चेंज करते रहने चाहिए। तो आप जहाँ से अंडर ग्रेजुएट करते हैं, हो सके तो आप मास्टर्स किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से करिए, पीएचडी किसी और इंस्टीट्यूट से करिए। इसका सिर्फ एक फ़ायदा ये है कि हर एक इंस्टीट्यूट का अपना एक कल्चर होता है, उस कल्चर के कुछ अच्छे पार्ट्स होते हैं, कुछ बुरे पार्ट्स होते हैं, बट हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए अच्छे पार्ट पर फोकस करें। तो आप कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन वो अच्छी चीज़ें आप 2-3 सालों में सीख लेते हैं, उसके बाद आप उसी को लेकर के यूज्ड टू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे इतर अच्छी चीज़ें हैं नहीं। तो जब आपके पास डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है तो आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में काम आता है। तो बाहर आने का जो फैसला था वो बेसिकली सिर्फ उस एक्सपीरियंस के लिए था कि ऑलरेडी मैंने वहाँ से मास्टर्स कर रखा था और सीख लिया था, तो अब मैं पीएचडी के लिए कहीं बाहर अप्लाई कर सकता था। फिर मैंने किया अप्लाई कुछ इंस्टीट्यूट्स में, कुछ 7-8 जगहों पे एप्लीकेशंस भेजे थे, कुछ जगहों से रिजेक्शन भी आए, कुछ जगहों से सिलेक्शन आए। तो मेरा जो की इंटरेस्ट था वो प्रोबेबिलिटी और एनालिसिस में था, और कुछ एक इंस्टीट्यूट्स फिर बाद में आईआईएससी के फैकल्टी मेंबर्स से डिसाइड किया हम लोगों ने कि कहाँ पे जाना बहुत ठीक नहीं है। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कर्नेल, लेकिन कर्नेल के साथ ये है कि कर्नेल का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री सेंटर्ड है, कम से कम फिलहाल वर्तमान में। तो मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे प्रोबेबिलिटी और एनालिसिस में अच्छा काम होता हो,
और अंततः मेरे दिमाग में दो प्लेसेस थे बेसिकली, यूडब या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, दोनों जगहों से मेरे पास ऑफर थे। तो उन दोनों में यूडब चूज करने के पीछे जो कारण था वो ये था कि फैकल्टी मेंबर्स ने एडवाइस किया कि अमेरिका में रहना जो है थोड़ी सी ज़्यादा डाइवर्सिटी देता है आपको, क्योंकि नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ कोलैबोरेटर्स आपके ज़्यादा होते हैं। तो हाँ, और फिर यूबीसी यहाँ से पास भी था, तो ये था कि यूडब में रहना थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये कारण था यूडब चूज करने का। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में यहाँ तक आने में बहुत मदद की फैकल्टी मेंबर्स ने, जो साथ के लोग थे, दोस्त लोग थे, उन लोगों ने भी बहुत सहयोग किया, क्योंकि क्योंकि जो लोग बाहर अप्लाई करते हैं उन्हें बात पता चलेगी कि ये बहुत ही उबाऊ काम होता है। कम से कम मेरे लिए बहुत उबाऊ काम था बाहर अप्लाई करना। मतलब 7-7, 8-8, 10-10 पेज के फॉर्म्स होते हैं एक एक यूनिवर्सिटी के, इतना सारा कुछ लिखना होता है कि मैं परेशान हो जाता था इस बात से कि रहने देते हैं, नहीं करेंगे हम तो अप्लाई। लेकिन दोस्त थे कि वो साथ में बैठते थे, वो लोग टाइम याद दिलाते थे कि आज एप्लीकेशन का डेडलाइन है, तो आज तुमको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि बाहर अप्लाई करने के लिए आपको एसओपी लिखना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। अब हो सकता है कि आपको मैथ अच्छी आती हो, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छी एसओपी लिख पाएंगे। तो आपको लिखना तो एसओपी खुद पड़ेगा, लेकिन आप लिखेंगे फिर उसको चार लोग पढ़ेंगे, वो लोग एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे उसका। तो इन सब सारे प्रोसेस के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और मैं चूंकि बहुत आलसी व्यक्ति हूं, तो मैंने ये सारी चीज़ें बहुत लेट की, और अगर फैकल्टी मेंबर्स और मेरे दोस्त साथ नहीं रहे होते तो शायद मेरे बस का नहीं था, मैं वो नहीं कर पाता। लेकिन जो लोग अप्लाई करना चाहते हो उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि अगर बाहर जाने का आपका प्लान है तो मेरी तरह लास्ट डे पर काम करने के बजाय आपको कम से कम 6 महीने या साल भर पहले उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चीज़ें लिखना, अपनी CV बनाना, रिकमेंडर्स फाइंड करना, SOP लिखना, SOP लोगों से पढ़वाना, उसके कई ड्राफ्ट्स लिखना, तो ये सारी चीजें शुरू कर देनी चाहिए, वो फायदेमंद रहता है। तो आप अभी 1 साल से USA में हैं, तो USA में लाइफ कैसा है, और तो इसके बारे में बताइए। जी, लाइफ तो USA में ठीक है, अच्छी है। एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर? एंजॉय तो हाँ, आदमी जहाँ रहता है करना शुरू कर देता है, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझको अभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय और ISC के लोगों की याद आती है, क्योंकि मेरे यहाँ पे उतने दोस्त अभी भी नहीं हैं। साल भर का वक्त हुआ और उस साल भर में से 6 महीने या कि सारे लोग कमरों में अपने बैठे रहे हैं, किसी से मिले जुले नहीं। तो कुछ गिने चुने लोगों को हम लोग जानते हैं, तो वो है। लेकिन ओवरऑल हाँ, मतलब बहुत ढेर सारे अपने कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो कुछ चीज़ें एडजस्ट भी करनी पड़ती हैं आपको, जो यहाँ की अलग हैं, भारत की अलग हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शुरू शुरू में थोड़ी अजीब लगती हैं। लेकिन हाँ, कोई कोई होस्टिलिटी नहीं है, ऐसा कोई एग्रेशन नहीं है किसी के प्रति, तो मतलब ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़राब हैं, बस चीज़ें अलग हैं थोड़ी, तो कुछ मायनों में आपको एडजस्ट करना पड़ता है शुरू शुरू में। तो राघवेंद्र जी, आप हिंदी साहित्य से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आपके अंदर में ये लगाव कैसे आया, और अगर आप कुछ 2 लाइन बोलना चाहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि अगर आप कुछ सुनाए नहीं तो बारात में खाना तो खा लिया लेकिन पान नहीं खाया वाली बात हो जाएगी। तो जी, साहित्य के साथ भी ऐसा ही रहा है कि पढ़ने का शौक बचपन से था, लेकिन बचपन में साहित्य के शौक का मतलब वही था कि मैं जब छोटा था तो वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यास आते थे 5 रुपए के, और उपन्यास पढ़ना कम से कम हम लोग जहाँ से आते थे वहाँ पे एक बहुत बुरी चीज़ मानी जाती थी, तो छुप छुपा करके किताब खरीदनी पड़ती थी। और वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यास को आप सही मायने में साहित्य भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन शुरुआती पढ़ाई, शुरुआती इंटरेस्ट जो है आप कह सकते हैं, वहीं से डेवलप हुआ। तो धीरे धीरे 10वीं 12वीं में कुछ सीरियस साहित्य पढ़ना मैंने शुरू किया। तो मुझे 11वीं क्लास याद है कि 11वीं में मैंने बशीर बद्र का एक शेर सुना था, और बशीर बद्र का वो शेर था कि कभी जब तुम्हारा ख्याल आ गया है, कभी जब तुम्हारा ख्याल आ गया है, बहुत रोज़ फिर बेख्याली रही है। तो
कहीं ये शेर सुना मैंने और ये शेर मुझे इतना पसंद आया कि उसके बाद मैंने जाकर के बशीर बद्र की किताब खरीदी उजाले उनकी यादों के, और वो मेरी पहली किताब थी साहित्य, मतलब जिसको आप सीरियस साहित्य कह सकते हैं। तो फिर 12वीं तक भी यही था कि कुछ दो चार गिने चुने शायर थे जिनकी किताबें पढ़ता था। साहित्य में जो इंटरेस्ट और साहित्य के अंदर जो है डीप जाने वाला जो कार्यक्रम था वो शुरू हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में। दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे दोस्त मिले जो लोग बहुत पढ़े हुए लोग थे और लगातार पढ़ते रहते थे। तो हम लोगों के यहाँ लोग पढ़ते भी हैं तो रीडिंग की हैबिट वैसे नहीं होती है कि मतलब कभी पढ़ लेते हैं किताब मिल जाती है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे लोग मिले जो लोग की रोज़मर्रा का काम था उनका कि रोज़ पढ़ते थे, डेली बेसिस पर पढ़ते थे, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और फिर दिल्ली में दरियागंज था पास में, उस समय दरियागंज में किताबों की मार्केट लगती थी। तो ऐसा था कि उस समय उन लोगों के साथ बैठे बैठे मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया, तो एक क्रम बन गया कि रोज़मर्रा किताबें पढ़ने लग गए। और फर्स्ट ईयर के बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि मैं रोज़ लगभग एक किताब पढ़ जाता था। तो मैं हर दिन एक नई किताब पढ़ रहा होता था, किसी किसी दिन ऐसा होता था कि दिन में दो किताबें पढ़ जाता था। तो बहुत वाइड रेंज की चीज़ें उस समय पढ़ी, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी का साहित्य, और उस साहित्य से ही तक मतलब कुछ दर्शन शास्त्र, कुछ लिंग्विस्टिक्स। तो धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, जितना व्यापक आपका फलक होता जाता है, आप उतना बेसिकली और डीप जाते जाते हैं उसके। तो समझ आने लग गया कि इसमें भी बहुत अच्छी बातें कही जा रही हैं और उनको पढ़ा जाना चाहिए, जाना जाना चाहिए। फिर और दोस्तों से बात होने लगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो आप पढ़ते हैं एक बारी, जो आपके दिमाग में नहीं आता है, आप नहीं समझते हैं, फिर कोई दूसरा आपको उसका एक दूसरा अर्थ बताता है। तो इस तरीके से बेसिकली इस रुचि का विकास हुआ कि साहित्य में डीप चला गया, और तब से लगातार ये है कि पढ़ाई जारी है। तो कभी आपने साहित्य और मैथमेटिक्स को कंबाइन करके देखा है, कहीं ऐसा कुछ ख्याल आया है? ये साहित्य और मैथमेटिक्स कंबाइन करने के देखिए कई सारे अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ में दोनों निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि दोनों बहुत ही क्रिएटिव फील्ड्स हैं, और ये एक चीज़ है जो आमतौर पे उतना स्ट्रेस नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ एक बाइनरी है साइंस और आर्ट्स की, तो हमारे यहाँ आर्ट को और साइंस को ऐसा माना जाता है कि दो अलग अलग ध्रुव हैं। साइंस और आर्ट में कुछ अंतर ज़रूर हैं, लेकिन अपने कोर में दोनों जो हैं बहुत ही क्रिएटिव सब्जेक्ट्स हैं। तो आप दोनों में कुछ नया रच रहे होते हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे होते हैं, दोनों की अपनी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। तो उस मायने में ये है कि मतलब साहित्य की जो क्रिएटिविटी है और मैथमेटिक्स की जो क्रिएटिविटी है, दोनों में आपको बहुत इमेजिनेशन, बहुत क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, और इसलिए शायद मुझे दोनों इक्वली अपील करते हैं। तो ये एक पार्ट है। दूसरा, हाँ, कुछ इस तरीके की चीज़ें ज़रूर हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी बाद में। मैंने पिंगल शास्त्र पढ़ना शुरू किया था किसी समय जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था। तो पिंगल शास्त्र संस्कृत का छंद शास्त्र है, तो कविता लिखने का एक तरीका होता है, मात्राएँ गिननी पड़ती हैं कि पहले एक मात्रा आनी चाहिए, फिर दो मात्रा आनी चाहिए, लघु और दीर्घ एक लाइन में 13 मात्रा होनी चाहिए, 16 मात्रा होनी चाहिए। तो अलग अलग इस तरीके के नियम होते हैं, और अगर उसको आपको समझना है तो उसको समझने के लिए ऐसा है कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेटोरिक्स समझना पड़ेगा। तो और जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल आस्पेक्ट ये समझ आया कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेटोरिक्स जो था वो एंशिएंट इंडिया में छंद शास्त्र के लिए डेवलप किया गया था पिंगल नाम के एक ऋषि द्वारा। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे पास्कल्स ट्रायंगल है वो पिंगल के छंद शास्त्र में मिलता है। तो वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ होती है जब आपको ऐसी कोई चीज़ पता चलती है। तो हाँ, वो एक बात है। उससे इतर हाँ जरूर ये सामान्य सी बात है कि दोनों चूंकि बहुत क्रिएटिव फील्ड्स हैं, दोनों एक तरीके से आपको दिमाग को ट्रेन करते हैं, फिर उस ट्रेनिंग को जो है आप अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैथ में भी, साहित्य में भी। तो आप जाते जाते जो हमें देख रहे हैं, जो यंग रिसर्चर हैं,
उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? रिसर्चर्स के लिए टिप्स तो शायद मुझे देना नहीं चाहिए, मैं खुद भी अभी एक बहुत यंग रिसर्चर हूँ और मैं भी इस प्रक्रिया में हूँ, तो मेरे एडवाइस को इस तरीके से तो नहीं लेना चाहिए कि मैं कुछ कर चुका हूँ और मैं उससे बता रहा हूँ, लेकिन मेरे एडवाइस को एक दोस्त के एडवाइस के तौर पर देखा जा सकता है कि मैं डेफिनेटली भी वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं, तो मैं अपनी कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर सकता हूँ। और ये बात मैंने पहले भी रिपीट की है, लेकिन एडवाइस के तौर पर भी मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा एक बारी, कि फोकस जो है वो हमेशा इस बात पे होना चाहिए कि हम कितना सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ना कि उसके साइड प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि ग्रेड्स है या फिर इंटर्नशिप है या ऐसी किसी भी चीज़ पर। तो फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हर दिन आप कितने बेहतर हैं। और एक बहुत आसान सा तरीका है इसको गाज करने का, और वो ये कि आप इस बात को ऐसे समझिए कि हम अगर डेली अपने आप के सामने ये गोल भी रखें कि कोई बहुत बड़ी फैंसी चीज़ नहीं, डेली हमें कोई एक नया थियरम या कोई एक नया रिजल्ट, कोई एक नई चीज़ जाननी है। ऐसे भी नहीं कि मतलब मुझे सैकड़ों चीज़ें जो है सीख लेनी है, पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ जाना है। मेरा गोल सिर्फ इतना है कि हर दिन जो है एक कोई नई चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आपको थियरम का पूरा प्रूफ आता हो, लेकिन अगर आप डेली एक नया थियरम किसी और से पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, साल भर में आपको 300 चीज़ें पता होंगी, और अगर आप उसमें से 90% भूल जाते हैं तो आपको कम से कम 30 रिजल्ट्स पता होंगे, और आप साल भर के एंड में जो है अगर आप किसी से पूछेंगे तो 30 रिजल्ट 40 रिजल्ट लिख पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल काम हो सकता है, और मैं इतना मार्जिन दे रहा हूँ कि आप उसमें से 90% भूल सकते हैं। तो ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, सारा इशू जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट का इशू है कि हम अपना टाइम जो है, अपना एफर्ट जो है वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उसको सिर्फ चैनलाइज करने की ज़रूरत है कि हम बात करें और लोगों से सीखें और लोगों को बताएं। और दूसरी छोटी सी एडवाइस इसी कड़ी में कि IISc में मैंने जिस तरीके से चीज़ें सीखी वो ये थी कि मैं जो चीज़ें करता था और मेरे जो दोस्त करते थे, हम लोगों को असाइनमेंट्स दिए जाते थे, होमवर्क्स दिए जाते थे, हम लोग शाम को डिपार्टमेंट में मिलते थे और फिर सारे लोग अपना अपना सोल्यूशन शेयर करते थे। तो ये एक चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। आप मतलब मेरे दोस्त आप पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे कि शुरू शुरू में मैं जो सोल्यूशंस लिखता था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे, मतलब दो दो पन्ने का सोल्यूशन लिखता था जो लोग आधे पन्ने में कर लेते थे, बहुत ढेर सारे नोटेशन होते थे। लेकिन साइंस या मैथमेटिक्स सिर्फ इस मामले इस बारे में नहीं है कि मतलब कि चीज़ें सही होनी चाहिए, सही होने के साथ साथ साइंस का एक पार्ट है कि वो चीज़ सुंदर होनी चाहिए, वो एलिगेंट होनी चाहिए। तो आप एलिगेंट मैथमेटिक्स करना सीखते हैं और वो आपको तब आता है जब आप बाकी लोगों से सीखते हैं। तो ये एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दोस्तों से, अपने साथियों से लगातार बातें करते रहें और उस बात ग्रुप को स्टडी ऐसे, जिसे हम बोलते हैं। हाँ, लेकिन मतलब ग्रुप स्टडी को हम ग्रुप स्टडी करके फिर से उसको बहुत बोझिल बना देते हैं कि हम एक जगह, हाँ, एक जगह फिक्स करते हैं, उस जगह पे एक टाइम पर मिलते हैं, फिर कापी किताब खोल लेते हैं, लिखने लग जाते हैं। तो वो भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, वो आपको रीगर देता है जब आप चीज़ों को लाइन बाय लाइन लिख रहे होते हैं। लेकिन रीगर के साथ साथ उतनी ही ज़रूरी चीज़ होती है इमेजिनेशन साइंस में, और इमेजिनेशन के लिए कई बार ये ज़रूरी होता है कि आप बैठ के चीज़ें लाइन बाय लाइन सारी डिटेल में नहीं करते हैं, आप सामने वाले से बैठते हैं और बहुत ऊपर लेवल पे बात करते हैं, तो जिसको हम लोग काफ़ी कप डिस्कशन कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप रास्ते में वॉक करते हुए बातें करें चीज़ों के, बिल्कुल डिटेल्स, ये डिटेल्स ज़रूरी नहीं है कि 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन आपको ये पता हो कि हाँ मतलब ऐड करेंगे तो कुछ आएगा और उसके बाद से क्या किया जा सकता है। हाँ, तो इस तरीके से इमेजिनेशन और ये करते रहने से एक जो चीज़ डेवलप होती है वो ये होती है कि आप लार्जर पिक्चर देखना शुरू कर देते हैं। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो लार्ज जो बिग चंक ऑफ द स्टेप्स हैं वो आपके दिमाग में होते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैं ट्रेकिंग वाली बात कर रहा था, या फिर आप कहीं यात्रा करने जाते हैं। अब यात्रा करने से पहले आप ऐसा नहीं करते हैं कि मतलब सड़क फुटपाथ सारा कुछ इंच बाई इंच देख डालते हैं, आप बस इतना करते हैं कि हाँ मतलब हमको गोरखपुर से निकल करके बनारस जाना है, तो आप रास्ते में 4 रेस्टोरेंट्स देख लेते हैं, कहाँ जाके रुकेंगे, यहाँ पे पानी पियेंगे, उस हाईवे से जा करके लेफ्ट टर्न ले लेना है। अब आप जाते हैं वहाँ पे, खाना
कभी दिक्कतें हो सकती हैं, हाईवे पर काम चल रहा है, आपको हो सकता है कि अचानक से रास्ता अपना बदलना पड़े, वो सारी चीज़ें हैं जो कि डिटेल्स हैं, जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा और आप उसको लोकली मैनेज करेंगे। लेकिन जानने से पहले आपके दिमाग में एक बिग पिक्चर होना चाहिए। साइंस और मैथमेटिक्स खास करके करते हुए हम जब प्रूफ्स पर फोकस करते हैं तो कई बार ये होता है कि हम इतना ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड हो जाते हैं कि हम बिग पिक्चर भूल जाते हैं। तो बिग पिक्चर भूलने के बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ जो है वो कापी किताब से नहीं आएगी बैठ करके, वो साथ में घूमते हुए, कॉफ़ी पीते हुए, चाय पीते हुए, मैथ डिस्कस करने से आएगी। तो सिर्फ इतना है, और बाकी ये है कि एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा को मतलब एंजॉय करना चाहिए। तो हर दिन कुछ नया सीखने का है, हर दिन कुछ नया जानने का है, कुछ चीज़ें मुझे आती हैं, कुछ चीज़ें आपको आती हैं, तो इस जर्नी को सिर्फ एंजॉय करो। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमसे जुड़े, आप हमसे ज्ञानबाजी किए, और मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो बहुत सारे चीज़ें यहाँ से लेके जाएंगे, और आपने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके इस काम के लिए। दोस्तों, ये थे राघवेंद्र त्रिपाठी जी। मुझे विश्वास है कि उनकी लाइफ जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप बहुत कुछ टेक अवे करेंगे इस वीडियो से। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और अन्य वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हम मिलेंगे किसी और नए इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल, नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।